गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नाउ आवर ट्रिप टू भोपाल इज कंटिन्यूअली वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर पेज नंबर 27 टुडे. ओके, व्हाट वी हैव टू स्टडी अबाउट इन लास्ट पीरियड, देर इज हाँ द नर्मदाज वाटर. ओके, नर्मदा वाटर के बारे में हमने पढ़ा था वहाँ पर, नर्मदा रिवर के बारे में. नाउ द सडनली द बस स्टॉप विद द विथ अ जर्क, मीन्स अपने ब्रेक के साथ बस वहाँ पर स्टॉप हो गई. ओ द पेट्रोल पम्प, टू बसेस नीड टू बी रिफिल्ड, मीन्स दो बसों को पेट्रोल की जरूरत थी इसलिए वो वहाँ पर रुके. ठीक है, द बसेस स्टैंड इन अ लाइन, चिल्ड्रन आर स्टिकिंग देयर नेक्स्ट आउट टू सी हाउ डीजल इज फिल्ड इन द बस. वहाँ पर पेट्रोल पंप पर बसेस रुकी और चिल्ड्रन जो है वो अपने विंडो से अपने नेक बाहर निकाल कर देख रहे थे कि बस में डीजल कैसे भरा जाता है. सम चिल्ड्रन हैव गॉट डाउन टू लुक मोर क्लोजली, कुछ बच्चे नीचे उतर के देख रहे थे कि कैसे वो रिफिल फिल करते हैं. ठीक है, ईच बस टेक 15 मिनट्स टू रिफिल एंड देयर आर टू बसेस टू बी फिल्ड. एक बस को कितने मिनट लग रहे थे, 15 मिनट्स लग रहे थे, है ना, डीजल भरने के लिए. एंड देयर आर टू बसेस टू बी रिफिल्ड, और कितने बसों में उन्होंने डीजल डाला, टू बसेस में. ठीक है, सो दे स्टॉप देयर फॉर अबाउट कितने मिनट तक फिर वो रुके, क्योंकि एक बस को 15 मिनट लग रहे थे तो दो बस को कितने लगेंगे, 15 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 30. तो वो 30 मिनट्स वहाँ पर रुके थे, कितने मिनट्स रुके थे वो, 30 मिनट्स. ठीक है, विच मीन्स दे आर लेट बाय अबाउट, कितना मिनट लेट हुए फिर वो भोपाल पहुँचने के लिए, 30 मिनट्स लेट हुए, मीन्स 30 मिनट्स वहाँ पर रुके तो ऑब्वियस है वो 30 मिनट लेट पहुँचेंगे. ठीक है, नाउ हे इट हैज़ सच अ बिग टमी, बस की टमी बहुत बड़ी होती है इसलिए वहाँ पर बहुत लीटर डीजल रहते हैं. इट हैज़ ऑलरेडी टेकन 100 लीटर्स, मीन्स 100 लीटर्स डीजल उसके टमी में जाता है. ठीक है, सो वी हैव टू पे 3500, मीन्स उन्होंने 3500 रुपीस पेड किए फॉर द डीजल, कितने, 3500. लुक इन द पिक्चर एंड फाइंड द प्राइस ऑफ 1 लीटर ऑफ डीजल. देखो एक बस में उन्होंने कितना लीटर पेट्रोल डाला, 100 लीटर पेट्रोल डाला है एक बस में, कितना, 100 लीटर पेट्रोल डाला है, और उन्होंने कितने पैसे पेड किए हैं, 3500 रुपीस पेड किए. अंडरस्टैंड, तो 1 लीटर ऑफ पेट्रोल की प्राइस हमें निकालनी, तो हम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3500 है ना, 3500 डिवाइडेड बाय 100 है ना, 3500 डिवाइडेड बाय 100. अगर हमें 1 लीटर की वैल्यू निकालनी है तो हम लोग डिवाइड करेंगे, यस. सो कट दिस 2 जीरोज हियर ऑल्सो एंड हियर ऑल्सो, 35 वन 35 हो जाएगा. ठीक है, तो लुक इन द पिक्चर एंड फाइंड द प्राइस ऑफ 1 लीटर ऑफ डीजल, मीन्स एक डीजल की प्राइस कितनी हुई, कैन यू टेल मी, वन हमने यहाँ पर निकाला, एक लीटर डीजल की प्राइस हुई 35 रुपीज़. ओके, नाउ एज द बसेस आर बीइंग रिफिल्ड सम चिल्ड्रन, एज द बसेस आर बीइंग रिफिल्ड सम चिल्ड्रन गो टू द टॉयलेट नियर द पेट्रोल पम्प, मीन्स कुछ बच्चे बस में बैठ गए और कुछ बच्चे टॉयलेट के लिए चले गए. हाउ मच टाइम डिड अमन टेक टू कम आउट ऑफ द टॉयलेट, मीन्स यहाँ पर वो देखो, एज द बसेस आर बीइंग रिफिल्ड सम चिल्ड्रन गो टू द टॉयलेट नियर द पेट्रोल पम्प. अमन हैज टेकन, यहाँ पर दिखाया है अपने को ग्रिड में, अमन हैज टेकन एज मच टाइम टू एम्प्टी हिमसेल्फ एज वन बस इज टेकिंग टू रिफिल. देखो हमने यहाँ पर ऊपर पढ़ा था एक बस को पेट्रोल डीजल भरने के लिए कितना मिनट लगते हैं, 15 मिनट्स लगते हैं, है ना, एक बस को रिफिल होने के लिए 15 मिनट्स लगते हैं. तो अमन कितना समय लेता है, अमन हैज टेकन एज मच टाइम टू एम्प्टी हिमसेल्फ एज वन बस इज टेकिंग टू रिफिल, मीन्स एक बस को जितना टाइम लगता है फिल करने के लिए उतना ही अमन को खाली होने के लिए टाइम लगता है. खाली होने के लिए मीन्स अमन को टॉयलेट के लिए जाना होता है, मीन्स उसको अपना पेट एम्प्टी करना होता है ना, उसको सुसु जाना होता है, तो वो कितना टाइम लेता है सुसु करने के लिए. सो अमन टेक
15 मिनट्स है ना, क्योंकि एक बस को 15 मिनट लगते हैं पेट भरने के लिए, तो अमन को भी 15 मिनट्स लगते हैं पेट खाली करने के लिए. अंडरस्टैंड स्टूडेंट? नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज. नाउ टू भीमबेटका. After the buses are refilled, the journey starts again. Now the children are told that they are stopping at Bhimbetka. Means वो Bhimbetka पहुँचते हैं, ठीक है? अंजन, what is Bhimbetka? Means Bhimbetka क्या है? वो पूछता है. Mrs. Raina said, it's place with lots of cave and cave paintings. Means caves सब लोग जानते, गुफा है ना? वो वहाँ पर बहुत सारी गुफाएं हैं और गुफा के अंदर की पेंटिंग्स हैं. मेड बाय पीपल 10,000 ईयर्स एगो. मीन्स 10,000 साल पहले लोगों ने वहाँ पर वो केव्स बनाए और केव्स की पेंटिंग बनाई है, ठीक है? सुमंटो, 10,000 ईयर्स, कैन नॉट इवन थिंक ऑफ 1,000 ईयर बैक. वो बोल रहा है कि 10,000 ईयर्स, हम लोगों ने तो अभी तक 1,000 साल पीछे भी हमने नहीं देखा है, ठीक है? गोपी, ओ 1,000 ईयर इज़ अ बिग थिंग. 1,000 ईयर ये बहुत बड़ी चीज़ होती है. एक साल कितना बड़ा होता है, तो सोचो 1,000 और 10,000 कितना बड़ा होता होगा. आई कांट इवन थिंक ऑफ 100 ईयर्स. मीन्स हम लोग 100 ईयर्स के बारे में भी नहीं सोचते, ठीक है? गौरी, आई कैन थिंक ऑफ 100 ईयर्स बिकॉज माई फादर्स ग्रैंड मदर इज 100 ईयर्स ओल्ड. गौरी बोलती है, मैं सोच सकती हूँ 100 ईयर्स के बारे में, क्योंकि मेरे फादर की ग्रैंड मदर जो है वो 100 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है? मंजित, दैट्स मीन्स दोज केव आर ऑलमोस्ट 100 ग्रेट ग्रैंड मदर्स ओल्ड. मीन्स मंजित बोलती कि हाँ, वो शायद तुम्हारे ऑलमोस्ट 100 ग्रेट ग्रैंड मदर्स. मीन्स ऐसे कितनी सारी 100 ग्रैंड मदर्स रहेगी, 100 ग्रैंड मदर्स की अकॉर्डिंगली वो केव्स रही होंगी, ठीक है? एवरीबडी बर्ड्स इंटू लाफर, हा हा हा. नाउ द चिल्ड्रन आर रियली एक्साइटेड टू सी द केव्स. मीन्स बच्चे बहुत एक्साइटेड थे केव्स देखने के लिए. इट इज़ अबाउट 11 o'clock व्हेन दे रीच भीमबेटका. मीन्स वो 11 बजे भीमबेटका की केव्स में पहुँचे हैं, ठीक है? वाह, इवन 10,000 ईयर अगो पीपल मेड सच लवली पेंटिंग्स दैट टू ऑन रॉक. मीन्स वो बोलते कि 10,000 पहले भी पीपल्स ने इतनी सुंदर पेंटिंग बनाई थी, वो भी पत्थर पे. ओ दीज रॉक्स आर 1,000 ऑफ ईयर्स ओल्ड. मीन्स ये जो पत्थर है ये 10,000 ईयर्स ओल्ड पत्थर है ना? मीन्स हमें इतनी पुरानी चीज़ें देखने के लिए मिल रही है, तो हमें ज़रूर भीमबेटका जाना चाहिए, ओके? सो शंकर, दिस पेंटिंग ऑल्सो हैव वेरी बिग बायसन. बायसन सब लोग जानते हो, जो जंगल में जो बड़ी भैंस होती है उसको बायसन कहा जाता है, ठीक है? हे आई गॉट एन आइडिया, आई विल काउंट द बायसन एंड यू काउंट द डियर इन द पेंटिंग. मीन्स वहाँ पर पेंटिंग में बायसन और डियर की पेंटिंग्स थी. तो शंकर जो बोल रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे बायसन्स हैं, और वो अपने फ्रेंड को बोलता है कि मैं बायसन काउंट करता हूँ और तुम डियर काउंट करो, ठीक है? बोनोमाला बोलता है आई विल काउंट पीपल, और बोनोमाला बोलता है मैं पीपल काउंट करूँगा. लेट अस सी व्हिच आर द मोस्ट बायसन, डियर और पीपल. तो यहाँ पर दिख रहे हैं हमें 34, 35, 36, 37. आई गॉट 37 बायसन. मीन्स शंकर बोल रहा है कि मैंने 37 बायसन काउंट किए, ठीक है? 112, 113, 114, आई गॉट 117 डियर. ये मीन्स जो शानो थी वो बोल रही कि मैंने 107 बायसन सॉरी डियर काउंट किए, ठीक है? हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि बायसन कितने हैं. बायसन आर 37, डियर्स कितने हैं 117, ओके? सो हाउ मेनी मोर डियर आर देयर देन बायसन. मीन्स 117 डियर है और 37 बायसन है. तो हमारा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, हाउ मेनी मोर डियर आर देयर देन बायसन. मीन्स डियर बायसन से कितनी ज़्यादा है, ये हमें फाइंड आउट करना है. तो 117 माइनस 37, हाउ मच इट इज़, 770, और 11 माइनस 3 इट इज़ 8. मीन्स कितनी डियर ज़्यादा है वहाँ पर, 80 डियर्स ज़्यादा है, ओके? नाउ बट
बोनोमोला इज द हैप्पीएस्ट बिकॉज द नंबर ऑफ पीपल इज इवन मोर देन द नंबर ऑफ डियर. मीन्स बोनोमोला जो था वो बहुत हैप्पी था क्योंकि डियर से ज़्यादा पीपल वहाँ पर थे. ठीक है. एंड बाइसन टुगेदर हर काउंट इज लेस देन 200. मीन्स जैसे डियर और बाइसन अगर इन दोनों को मिलाया जाए तो कितनी कितना अमाउंट होता है 37 प्लस 187 हाउ मच इट इज़ 7 7 14 टेक वन कैरी 8 प्लस 3 इट इज़ 11 11 प्लस 1 14 12 वन कैरी एंड हियर 224 टुगेदर. मीन्स डियर और बाइसन कितने हुए मिला के 224 आर देयर. ठीक है. सो हाउ मेनी पीपल मस्ट बोनोमोला हैव काउंटेड. तो जैसे वो क्या बोल रहा है कि 224 दोनों मिला के हैं तो और पीपल मीन्स 200 से ज़्यादा है तो बोनोमोला कितना काउंट किया है पीपल को 177 इज देयर. अंडरस्टैंड. द गाइड टेल देम दैट देयर आर 600 केव पेंटिंग इन ऑल. इट इज टाइम टू लीव भीमबेटका. मीन्स जो उनके गाइड बोल रहे हैं कि ये अभी भीमबेटका छोड़ने का टाइम हो गया. मीन्स 600 केव्स उन्होंने वहाँ पर काउंट किए हैं एंड पेंटिंग उन्होंने काउंट किए वहाँ पर तो अभी वो भीमबेटका छोड़ने का समय उनका आ गया है. दे हैव स्पेंट 1 आवर. व्हाट टाइम इट इज़. वो 11 बजे वहाँ पर पहुँचे. मीन्स 11 ओ क्लॉक को वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर 1 घंटा मीन्स 1 आवर उन्होंने वहाँ पर स्पेंड किया है ना बिताया. तो अभी अपना क्वेश्चन है लास्ट वाला. दे हैव स्पेंट 1 आवर देयर. व्हाट टाइम इट इज. तो 11 में अगर और एक मिला दो तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा. मीन्स वो 12 ओ क्लॉक को वहाँ से निकले हैं. दे आर नाउ मूविंग टूवर्ड्स भोपाल. दे शुड रीच देयर इन लेस देन 1 आवर. अबाउट मीन्स 1 घंटे के अंदर वो वहाँ पर पहुँच जाएंगे. कहाँ पर भोपाल में. तो वो कितने बजे पहुँचेंगे 1 ओ क्लॉक को. तो अभी हम लोग अपने 1 ओ क्लॉक को भोपाल पहुँचने वाले हैं. सो लेट्स टेक अनादर टॉपिक इन अवर अनादर वीडियो. I hope you will be understand this topic. Next topic we will see in our next video. Thank you. Have a good day.